हाय, तो देखिए इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेसिक मशीन आर्किटेक्चर के बारे में। देखिए छोटी क्लासेस में लाइक 6th 7th 8th में हम लोगों ने पढ़ा होता है कि ये कंप्यूटर क्या होता है। कंप्यूटर एक वो डिवाइस होती है जो इनपुट लेगा, उसको प्रोसेस करेगा एंड देन उसको आउटपुट कर देगा। तो उसी पर्टिकुलर डेफिनेशन को देखिए, हमने बस थोड़ा सा एक्सपेंड कर दिया है इस पर्टिकुलर फिगर में। इनफैक्ट हमने नहीं, ये फिगर हमने हमारे MIT ओपनवेयर का जो कोर्स है, जो कि हमारा इस कोर्स के लिए प्राइमरी रेफरेंस है, वहीं से लिया है। आपको लेक्चर 1 में मिल जाएगा। तो अब देखिए बेसिक मशीन आर्किटेक्चर, जो भी आप जिस भी टाइप का लैपटॉप कंप्यूटर लेंगे तो उसमें देखिए ये सारी चीजें होंगी कि एक तो ये इनपुट है। इनपुट हो सकता है कि मान लीजिए आप देखिए जैसे कीबोर्ड से लेते हैं, तो कीबोर्ड से हो गया, माउस से हो गया, ये सारे इनपुट्स अपने हो गए। आउटपुट मान लीजिए हम जो स्क्रीन पे देखते हैं, राइट। मेमोरी, मेमोरी देखिए हमने पहले भी पिछले वीडियोस में भी इस बारे में बात की है, तो थोड़ा सा इस पे भी आप ध्यान से देख लीजिए। मेमोरी देखिए, जब आप अपना लैपटॉप या कंप्यूटर लेते हैं तो आज की डेट में 8 GB जो है वो काफी स्टैंडर्ड है, और 16 GB भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो हार्ड डिस्क नहीं है ये, राइट, ये सेकेंडरी स्टोरेज नहीं है, ये प्राइमरी स्टोरेज है, मेमोरी, जिसको हम रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि रैम भी बोलते हैं। तो अब देखिए सारी चीजें जो भी आपके प्रोग्राम एग्जीक्यूट होंगी वो उनको मेमोरी में लाइक करना जरूरी है, वो मेमोरी में होनी चाहिए। तो इसकी देखिए एनालॉजी हम कुछ इस तरीके से ले सकते हैं कि मान लीजिए ये हमारी एक बड़ी सी फैक्ट्री है, जिसमें यहाँ पे हमारी सारे ये पूरा जो मेमोरी है, यहाँ पे हम चीजों को स्टोर करते हैं जिन पे हम हमारे वर्कशॉप में जो है काम करते हैं। भाई कुछ भी काम कर सकते हैं हम, राइट। तो अब मान लीजिए हमारा प्रोग्राम ये है कि हम कर रहे हैं a=2 b=3 c=a+b एंड देन फाइनली प्रिंट c। मान लीजिए ये है हमारा प्रोग्राम। तो अब हमारा प्रोग्राम देखिए, इसको हम स्टोर करेंगे एक फाइल में। अब देखिए ये कैलकुलेटर से बहुत डिफरेंट है, कैलकुलेटर में आप ये सब चीजें नहीं कर सकते हैं, हम इसको स्टोर करेंगे। तो ये हमारे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जो ऐसे जा रहे हैं, पहले हम a=2 करेंगे, फिर b=3 करेंगे, फिर c=a+b करेंगे, फिर प्रिंट c करेंगे। तो ये हमारे एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, प्री डिफाइंड सेट ऑफ प्रिमिटिव्स, राइट। ये देखिए दैट टेक्स अस टू फार, हमको ज्यादा कंप्यूटर आर्किटेक्चर में नहीं जाना है, हमको बस इतना सा है कि इन सारी इंस्ट्रक्शंस को जो है मशीन समझ पाए, ऐसे प्रिमिटिव्स में रिड्यूस कर देंगे, स्टोर्ड इन मेमोरी। तो मेमोरी में आपका ये प्रोग्राम यहाँ पे कहीं पे मान लीजिए स्टोर्ड है। जो भी चीज आपके CPU चलाएगा, ये देखिए ये पूरा ग्रे पोर्शन के अंदर जो है कंट्रोल यूनिट प्लस अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट को हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रोग्राम अपना मेमोरी में स्टोर्ड है, डेटा जो है वो भी मेमोरी में ही स्टोर होगा। तो ये अगर मान लीजिए आपके 2 है, तो इसके ये जो अटैच्ड है A, ये आपके जो 3 है जो B की वैल्यू है, इसके अटैच्ड है B, और फाइनली जब आप इन दोनों को सम करते हैं तो देखिए ये एक वैल्यू आएगी 5 जिसके अटैच्ड होगा C, एंड देन फाइनली आप उसको प्रिंट कर देंगे। लेकिन ये एग्जीक्यूट कैसे होगा? एग्जीक्यूट देखिए इंटरप्रेटर एक स्पेशल प्रोग्राम है जो आपका जो प्रोग्राम आपने पाइथन में लिखा है वो उसको इंटरप्रेट कर सकता है, वो उसको इंस्ट्रक्शंस बना के यहां पे रख सकता है। तो एग्जीक्यूट्स इंस्ट्रक्शंस इन ऑर्डर। अब आपने ये जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं, पहले a=2 करो, फिर b=3 करो, फिर ये सब करो, में चेंज फ्लो, फ्लो चेंज हो सकता है। अभी देखिए हम बस एक के बाद एक के बाद एक नेक्स्ट लाइन करते जा रहे हैं, एक्चुअल में हम कुछ भी कर सकते हैं, यहां से वापस भी जा सकते थे, आगे भी जंप कर सकते थे। ये सारी चीजें हम अभी नहीं देखेंगे, जैसे जैसे आगे जाएंगे वैसे देखेंगे। लेकिन ये जो फ्लो है ये जरूरी नहीं है कि सीक्वेंशियल होगा, लीनियर होगा, ये चेंज हो सकता है। एंड जैसे ही हम हमारी लास्ट इंस्ट्रक्शन पे आ गए हम रुक जाएंगे, स्टॉप व्हेन डन। तो अब इसमें देखिए इनका क्या काम है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, ये क्या करेगा, ये आपके ऑपरेशंस करने की कैपेबिलिटी है इसके पास, डिवाइड कर सकता है, मल्टीप्लाई कर सकता है, प्लस कर सकता है, माइनस कर सकता है। तो ये जो अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट है ये आपके ये सारे ऑपरेशंस करेंगे।
ये ऑपरेशंस तो कर सकता है, लेकिन कब कौन सा ऑपरेशन करना है वो इसके बस की बात नहीं है। तो कंट्रोल यूनिट देखिए ऐसी यूनिट है जो सब पे कंट्रोल करती है, मेमोरी को भी, आउटपुट इनपुट को भी, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट को भी। तो कब किसको कहां पे क्या काम करना है वो ये अपनी कंट्रोल यूनिट डिसाइड करती है। तो आप इसको काइंड ऑफ अपने फैक्ट्री का सुपरवाइजर बोल दीजिए। एक्चुअल में वो कहेगा कि भाई दो बंदे जाओ, ए को लेके आओ, बी को लेके आओ, उनको ऐड करो एंड देन वापस सी पे भेज दो। तो एग्जैक्टली ये काम कंट्रोल यूनिट क्या करेगा कि फर्स्ट इंस्ट्रक्शन बोल रही है कि आपको करना है ए इक्वल टू टू, ये वाला जो अटैचमेंट है ये आप कर दो, कि ए को दो के बराबर रख दिया, बी को तीन के बराबर रख दिया। अब आपको करना है ए सी इक्वल टू ए प्लस बी, लेकिन ये इसको कौन बताएगा कि सी इक्वल टू ए प्लस बी करना है? प्रोग्राम, देखिए कंट्रोल यूनिट के पास एक प्रोग्राम काउंटर है, वो काउंटर रखता है कि फलानी फलानी इंस्ट्रक्शन चल रही है, ये हो गई, अच्छा अब नेक्स्ट चलो, ये हो गई, अच्छा अब चलो नेक्स्ट चलो, ये हो गई, अच्छा चलो अब नेक्स्ट करो। और वो जो नेक्स्ट है, कई बार वो जस्ट आपके नेक्स्ट वाली इंस्ट्रक्शन हो सकती है, लेकिन कई बार आपको पीछे जाना पड़ सकता है, कई बार आपको आगे जाना पड़ सकता है। तो ये कॉम्प्लिकेटेड है, ये नहीं है कि बस एक के बाद करते चले जाओ। तो आप प्रोग्राम काउंटर रखते हो कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन सी आने वाली है, वो इंस्ट्रक्शन आप बताओगे अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट को कि भाई अब तुमको सी इक्वल टू ए प्लस बी करना है, यानी कि ए की वैल्यू फैच करो, बी की वैल्यू फैच करो, दोनों को ऐड करो और फिर फाइनली उसको जो है सी में रख दो। इसके लिए कंट्रोल यूनिट को देखिए इन दोनों से इंटरेक्ट करना पड़ा, लेकिन इट हैज अथॉरिटी टू डू ऑल दिस, राइट? तो ये इंटरेक्शन मेमोरी और अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट में भी था, क्योंकि इन द एंड तो काम इसको करना था कि भाई ए इक्वल टू कि भाई ए प्लस बी करो एंड देन उसको सी में रख दो। फाइनली प्रिंट सी करना है तो आप उसको आउटपुट कर दो स्क्रीन पे। तो ये देखिए बहुत ही वेग, बहुत ही हाई लेवल पे हमने एक एग्जीक्यूशन समझा है, जिसमें हमारे लिए काम की चीज है प्रोग्राम काउंटर। ये हमको बताएगा कि भाई साहब अभी हमको जो है, हमको नहीं इसको, कि कौन सी इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करनी है। ये इंस्ट्रक्शंस दे रहा है एंड वो एक के बाद एक आपको देता जा रहा है, लेकिन कई बार देखिए क्या होगा, आपके कंडीशंस होंगी जो आप सिर्फ रन टाइम पे इवेलुएट कर पाएंगे। तो जब आप सिर्फ रन टाइम पे इवेलुएट कर पाएंगे तो उन चीजों को सिर्फ प्रोग्राम काउंटर देख पाएगा कि अब आपको नेक्स्ट कौन सा वाला स्टेप लेना है। ये देखिए आगे की चीजें हैं जिन पे हम धीरे धीरे आएंगे। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको लगता है कि हमारी वीडियोस यूजफुल होते हैं, आपके करियर एडवांसमेंट में काम आएंगे, तो प्लीज आप इनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।